अधीर रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बोले सबके साथ से ही सबका विकास संभव। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब डीजीपी का एक्शन, 7 पुलिस कर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन रोकने के लिए पटवारी की हत्या, ट्रैक्टर से रौंदकर भागे बदमाश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया, मतगणना वाले दिन के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में रीवा में मां के साथ मिलकर बेटों ने की पिता की पीट पीट कर हत्या। उत्तरकाशी में सिलकियारा पहुंचे प्लाज्मा कटर, सुरंग में फंसे ऑगर मशीन निकालने में आएगी तेजी। गुजरात में राजकोट हाईवे और मोरबी में गिरे ओले, कई शहरों में बारिश का अलर्ट। पुणे के दलवी नगर में स्क्रैप स्टोर में लगी भीषण आग, पड़ोस के दो घर जलकर खाक। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीआरएस नेता केटीआर को ईसी का नोटिस, कांग्रेस ने की थी शिकायत। यूपी विधानसभा में कांग्रेस और बसपा का दफ्तर छीना। राजस्थान में अवैध खनन के दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा, एक मजदूर की हुई मौत, 5 मलबे में दबे। कोची यूनिवर्सिटी भगदड़ में केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से जांच की रिपोर्ट मांगी। हरियाणा के सोनीपत में भूकंप रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 रही। हमास ने 17 और बंधकों को रिहा किया, 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिक शामिल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।